नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। समाजवादी पार्टी के नेत्री सरिता गिरी पार्टी से निष्कासित, पार्टी के व्हिप नहीं मानने आरोप। मंगल दिन और 204 गोटे नया संक्रमित भेटल, कोरोना संक्रमित के संख्या 16,001 से पहुंचल। देशक बड़का व्यवसायिक घराना सब कर्मचारी कटौती कर लागल, श्रमिक कर्मचारी सब आक्रोशित। थारू आयोग पूर्णता नहीं पोलक, काम कर नहीं सकल कहित अध्यक्ष चौधरी असंतुष्ट। आ विश्वव्यापी रूप में फैलल कोरोना वायरस के कारण मृतकक संख्या 5,41,000 पहुंचल। अब समाचार विस्तार से। समाजवादी पार्टी के नेत्री सरिता गिरी के पार्टी से निष्कासन कैल गेल अछि। एहि संगे गिरी सांसद पद से समेत पद मुक्त भेल छथि। पार्टी महासचिव राम सहाय प्रसाद यादव के नेतृत्व में बनल 3 सदस्यीय कार्यदल गिरी के कार्रवाई कर सिफारिश कने छल। वही अनुसार मंगल दिन कार्रवाई के निर्णय कैल गेल अछि। लिम्पिया धुरा कालापानी आ लिपुलेख क्षेत्र समेटल गेल नक्शा संबंधी संविधान संशोधन विधेयक में गिरी संशोधन प्रस्ताव दर्ता करौने छलथि। पार्टी संशोधन फिरता लेब आ विधेयक के पक्ष में मतदान कर निर्देशन दिलों पर ओ नहीं मानने छलथि। तथ्य आ प्रमाण के आधार में राष्ट्रीय महत्व के विषय में पार्टी के निर्देशन आ व्हिप नहीं मानला के कारण गिरी के निष्कासन कैल गेल अछि। ओ समाजवादी पार्टी से समानुपातिक सीट में प्रतिसभा से सांसद बनल छलथि। एहि बीच समाजवादी पार्टी के सांसद सरिता गिरी पर कने कार्रवाई फिरता लेब राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग आग्रह कलक अछि। आयोग के सदस्य मोहना अंसारी ट्वीट कक पार्टी के एहन आग्रह कलन अछि। ओ सरिता गिरी के समाजवादी पार्टी कथित छानबीन प्रतिवेदन के आधार में कार्रवाई क निष्कासन आ सांसद पद से निलंबन हेबाक विषय खेदजनक रहल लिखने अछि। संसद में अपन धारणा स्वतंत्र ढंग से राखले आधार में कार्रवाई करबाक बात अभिव्यक्ति स्वतंत्रता आ लोकतांत्रिक मान्यता विपरीत रहल कहित ओ ई निर्णय फिरता लेबा आग्रह कने छथि। सरकार लॉकडाउन किछ सहज बनौला संगे उपत्यका में कोरोना संक्रमित के संख्या बढ़ लागल अछि। उपत्यका में मंगल दिन और 28 गोटे संक्रमित भेटल अछि। काठमांडू में 14, ललितपुर में 10 आ भक्तपुर में 4 गोटे संक्रमित देखल गेल अछि। अखन धरि उपत्यका में संक्रमित के संख्या 267 रहल, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जनौलक अछि। जाहि में काठमांडू में 175, ललितपुर में 41 आ भक्तपुर में 43 गोटे रहल अछि। मंगल दिन देश भर 204 गोटे नया संक्रमित भेटल अछि। मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर जागेश्वर गौतम के अनुसार नेपाल में संक्रमित के संख्या 16,168 पहुँचल अछि। रहने को संख्या 8,634 छ। कोविड-19 बाट संक्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज होने को संख्या गत 24 घंटा में 688 छ र हालसम 7,479 जना यानी 46.4% संक्रमित स्वास्थ्य लाभ गरी घर फर्किनु भएको छ। उहाँहरुको उपचार तथा हेरचाह में अहोरात्र खटिनु भएका चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सहयोगी शुभेच्छुकहरुलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौ। हाम्रा दुईवटा सरकार स्वास्थ्यकर्मी लगायत जोखिम में रहल सब 45,000 के PCR परीक्षण के तैयारी समेत कने जनौलक अछि। PCR विधि से मंगल दिन 6,133 परीक्षण भेल अछि। अखन धरि कुल 261,861 PCR परीक्षण भेल मंत्रालय जानकारी दिलक अछि। 25,727 गोटे क्वारंटाइन में रहल अछि। देश भरक विभिन्न अस्पताल में 8,634 गोटे संक्रमित इलाजरत रहल अछि। मंगल दिन 688 सहित अखन धरि 7,499 गोटे संक्रमित ठीक भ कऽ घर घुरल अछि। मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर गौतम पछिला समय संक्रमण के दर घटल आ ठीक भ कऽ घर घुरावला सबके संख्या सेहो बढ़ लागल बतौलन अछि। एम्हर प्रदेश 2 में और 17 गोटे कोरोना संक्रमित बढ़ल अछि। सामाजिक विकास मंत्रालय मंगल दिन देने जानकारी अनुसार महोत्तरी में 9 आ धनुषा में 8 गोटे संक्रमित नया भेटल अछि। एहि संगे प्रदेश 2 में संक्रमित के संख्या 3,754 पहुँचल अछि। मंगल दिन 2 महिला आ 101 पुरुषक 121 गोटे कोरोना से
मुक्त भक आइसोलेशन से डिस्चार्ज भेल प्रदेश दू में अखन आइसोलेशन में 584 गोटे रहल तहिना क्वारंटाइन में 2672 गोटे होम क्वारंटाइन में 19555 गोटे रहल अखन धरि प्रदेश दू में 46166 गोटे के स्वाब संकलन कैल गेल जाहि में 2175 टा स्वाब के नतीजा आब बाकी अछि। कोरोना के कारण देखबैत देशक व्यावसायिक घराना सब संचालन केने प्रतिष्ठित उद्योग प्रतिष्ठान से कर्मचारी कटौती होबय लगला बाद श्रमिक कर्मचारी सब आंदोलित बनल अछि। गोलछा ऑर्गेनाइजेशन आईईएम ग्रुप के आईएमई मोटर्स जगदम्बा लगैत उद्योग प्रतिष्ठानक संचालक सब कर्मचारी कटौती केला बाद श्रमिक सब आंदोलित बनल अछि। ई बड़का कंपनी सब नियतवश 2000 से बेसी कर्मचारी कटौती कयने अखिल नेपाल ऑटोमोबाइल्स मजदूर संघ के अध्यक्ष पुरंजन गिरी बतौलने अछि। एसपी थापा सर समस्या छ मलाई त्यसको बारे फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार जस्तै बजार जस्तो एउटा ठुलो व्यवसाय सञ्चालन गर्नुभएको छ त्यहाँ नियत बस निकाल्न खोज्नु भएको छ यसै गरी आइएमई मोटर्सले पनि आफ्नो स्टाफहरूलाई चाहिँ नि लिभ विथआउट पे मा बस भनेर भन्नुभएको छ र फेरि तपाईँको सँगसँगै कुरा पनि के गर्नुभएको छ भने उहाँहरूले जागिर पनि खोज्दै गर्नु भन्ने त्यो पनि गरिराख्नु भएको छ र अरू जस्तो जगदम्बाले पनि लेटर प्रयोग गरेरै चाहिँ नि निष्कासन नगरे पनि उहाँहरूले चाहिँ नि मनोवैज्ञानिक टर्चर दिने गरेर उहाँहरूले चाहिँ नि निकाल्न खोजिराख्नु भएको छ र अहिले व्यवसायहरूले यो दिन सक्ने अर्गनाइजेसन ठुला ठुला कर्पोरेट हाउसहरूले पनि त्यसरी गर्नुभएको छ र त्यही प्रसङ्गमा चाहिँ नि केही आउटसोर्सहरूको कुराहरू निस्केको छ अरू कम्पनीहरूमा पनि त्यो आउटसोर्सको कुराहरूमा पनि अहिले हामीले व्यापक रूपमा उठाइरहेको छौँ र अब यसको यकिन नै अवस्था नभए पनि अहिले कमसेकम नेपाल अधिराज्यभरि नै गर्दाखेरि करिब करिब हाम्रो 2000 जस्तो स्टाफहरू हाम्रो अटोमोबाइल सेक्टरमा काम गर्नेहरू अहिले निस्किनु भएको छ र अहिले विश्वको सीमानाहरू मेटे प्रदेशक प्रदेश सभा सदस्य जगत बहादुर सिंहरा उद्योग प्रतिष्ठान आ श्रमिक दुनू पक्षके बचाव सरकार आओर सङ्घ संस्था सब सँगसँगै परामर्श क रहल भइरहेछ पर्छ यो हामी सबै बाँच्ने सवालमा अहिले हामीले भन्या चाहिँ कहाँनिर हो भने श्रम कटौती गर तर रोजगार कटौती होइन अहिले हामीले भन्या कहाँनिर हो भने श्रम कटौती भने हामी 8 घन्टा काम गर्छौँ भने 8 घन्टा काम गरेर हामीले 13,400 हामीले प्राप्त गर्थ्यौँ भने र हामीलाई 8 घन्टा काम दिन सक्ने भएनौँ भने 4 घन्टा हामीलाई चाहिँ काम देऊ र हामीलाई 13,000 होइन 450 को आधा तलब देऊ अथवा हामीले 20,000 तलब हामीले हिजो खान्थ्यौँ भने हामीलाई होइन 4 घन्टाको ठाउँमा 8 घन्टाको ठाउँमा 4 घन्टा काम गर्न देऊ तर हामीलाई चाहिँ कमसेकम 50% अहिलेको यो अवस्थामा 50% तलब देऊ त्यसले चाहिँ किनभने हामी काम गरेरै हामी त्यो खान चाहन्छौँ र हामी हाम्रो बच्चाहरू बचाउन चाहन्छौँ भन्ने अहिले हाम्रो ट्रेड युनियन कर्मीहरूको मजदुरहरूको चाहिँ त्यो चित्कार हो। 3 नम्बर प्रदेशका सरकार सम्बन्धी क्षेत्रकै नियमन सञ्चालन आ कारवाहीको लेल ऐन नियम बनौलोपर व्यावहारिक रूपमे कार्यान्वयन नै भेल अखिल नेपाल ऑटोमोबाइल्स मजदुर सङ्घके ठहर अछि। मंगल दिन विज्ञप्ति जारी करैत सङ्घ ऑटोमोबाइल क्षेत्रमे कार्यरत श्रमिक सबके रोजगार विहीन बनेबाक योजनाके सशक्त रूपमे प्रतिरोध करबाक जनौलक अछि। सहमति आ सहकार्यके माध्यमसँ श्रमिकके रोजगारी बचेबाक विषयमे कोनो पक्षसँग परामर्श करऽ तैयार रहल सेहो सङ्घ जनौलक अछि। थारू आयोग के अध्यक्ष विष्णु प्रसाद चौधरी आयोग पूर्णता नहीं पौने कहत असंतुष्टि जनौलने संघीय संसद प्रतिनिधि सभा के महिला तथा सामाजिक विकास समिति मंगल दिन के बैसार में सरकार थारू आयोग के पूर्णता नहीं दिला से आयोग के क्रियाकलाप के गति देव नहीं सकल बतौलने ओ आयोग के सदस्य सभक नियुक्ति नहीं भला धरि कोनो क्रियाकलाप के गति देव नहीं सकबाक स्पष्ट कलन आवक 10 वर्ष भीतर में थारू संस्कृतिक अध्ययन नहीं क संरक्षण नहीं कला पर सब संस्कृति लोप भ सकवा कहत आयोगक ध्यानाकर्षण अ दिस केन्द्रित भेल चौधरी बतौलने छे प्रभाव पारेको थियो समावेशिता चाहिँ यो भएन गत वर्ष हामीले कार्यक्रम पनि त्यो गत आर्थिक वर्षको प्रतिवेदन हो चैतमा चैत 7 गते म नियुक्त भएको त्यस पछाडिको कार्यक्रम असारसम्मको त्यो कार्यक्रमको प्रतिवेदन चाहिँ दिएको छ र त्यसमा पनि खास गरिकन हामीले चाहिँ प्रतिवेदन दिँदाखेरि एउटा औपचारिक कार्यक्रमको मात्रै दिएका छौँ अनौपचारिक कार्यक्रम किन चाहिँ मोटो किताब बनाइराख्नु पऱ्यो होइन झिना मसिना कार्यक्रमहरूको भनेर त्यसरी चाहिँ गरिएन र त्यो हुँदाखेरि चाहिँ प्रतिवेदन पातलो हुन गएको छ
छोटो समयमा ती कामहरू चाहिँ औपचारिक कार्यक्रमहरूको चाहिँ हामीले दिएको हुनाले त्यो स्थिति बनेको हो। त्योभन्दा बाहेकको कामै भएन भन्ने चाहिँ होइन, फेरि हामीले अनौपचारिक हिसाबबाट छलफलहरू चाहिँ विविध हिसाबबाट गरेका छौँ र त्यो चाहिँ यसमा बुकमा हामीले राखेनौँ प्रतिवेदनमा। अर्को जहाँसम्म वैशाडमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै सांसद गङ्गा चौधरी थारू समुदायक भाषा संस्कृतिके संरक्षण करबाक दिस थारू आयोगद्वारा विशेष काज कयल जेबाक बतौलनि अछि। ओ थारू समुदायमे बहुत नीक प्रथा रहलासँ एकर संरक्षण कऽ आयोग अपन क्रियाकलापके आगाँ बढाओल जेबामे जोर देलनि अछि। अधिया मुर्गा काट्छन् कि के काटेर धामधम छैन, अब दिन्छ टिक के अरे सिन्दुर हालिदिन्छ, चाह्यो भने स्वास्नी बनाएर राख्ने त्यो प्रथाहरू छ। त्यस्तो प्रथाहरूले पनि हामीले सम्बोधन गर्नुपर्ने नितान्त आवश्यकताहरू छ प्रथाजनित कानुनको सन्दर्भमा। जस्तै बर्गर भलमनसाको कुरा पनि गर्दाखेरि महत्त्वपूर्ण भूमिका हामी गाउँभरिका वर्षभरिका कामकाज विकास गर्नेदेखि लिएर हरेक कामकाजको लागि चाहिँ बर्गरलाई पनि हामी जिम्मेवारी दिएका हुन्छौँ, बर्गरको निर्णयलाई हामी मान्ने गर्ने गर्छौँ। त्यस्तो कुरा पनि हाम्रो आयोगले पनि त्यस्तो चिजमा भूमिका खेलोस्। जो अति संवेदनशील छ, खुला छ। नेकपाके सांसद खेम प्रसाद लोहनी देशक सिमानाकामे रहिकऽ देशक संरक्षण करबला थारू समुदायके सशक्त बनाब सरकारद्वारा विशेष व्यवस्था कयल जेबामे जोड देलनि अछि। काम गरिरहेका छौँ हामी, हाम्रो देशलाई यहाँ जोगाउँछौँ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ र हामीले अत्यन्तै ठुलो प्रशंसा गर्नुपर्छ त्यो समुदायलाई। त्यसलाई सशक्त बनाउनको लागि, प्रभावकारी विकसित बनाउनको लागि हामीले सरकारले विशेष व्यवस्थाका साथ अगाडि लैजानुपर्छ। अहिले यो जे जति कार्यक्रमहरू भएका छन् ती अत्यन्तै न्यून छन्, थोरै छन्। आयोगको समग्र समिति पनि पूर्ण हुन सकिरहेको छैन, समितिलाई पुरा गर्ने र त्यस पछाडि त्यसका क्षमता वृद्धि गरेर कार्यक्रमहरूलाई वृद्धि गरेर लैजाने काममा लाग्नुपर्छ। विशेष त मैले देखेको शिक्षाको क्षेत्रमा ठुलो लगानी सरकारले गर्नुपर्छ। हाम्रो आदिवासी समुदाय थारू समुदाय हो, तर त्यो समुदाय शैक्षिक क्षेत्रमा असाध्यै पछाडि छ, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि पछाडि छ, अनि उहाँहरूको फेरि कला संस्कृति सिप यो क्षेत्रमा र आर्टको क्षेत्रमा साहसको क्छेत्रमा असाध्यै प्रशंसनीय छ। सांसद सब आयोगक उद्देश्य आ कार्यक्रम सबक विषय में स्पष्ट होब थारू आयोग के अध्यक्ष चौधरी के आग्रह कयने छल। संसदीय अर्थ समिति के उपसमिति बैंक के सहायक कंपनी के शेयर कारोबार कर ब्रोकर लाइसेंस देवाक सुझाव सहित के प्रतिवेदन समिति में बुझलक अछि। बैंक के ब्रोकर लाइसेंस देवाक कि नहि देवाक विषय में अध्ययन कर अर्थ समिति सांसद राम कुमारी झाकड़ी के संयोजकत्वे 2076 साल साउन 29 गते उपसमिति गठन कयने छ। उपसमिति के 2 महीना में प्रतिवेदन बुझाव कहल गेलो पर करीब 1 वर्ष बाद समिति के प्रतिवेदन बुझलक अछि। उपसमिति के संयोजक झाकड़ी धितोपत्र कारोबार के लेल नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड तोकने मापदंड पूरा कयने बैंक के सहायक कंपनी के लाइसेंस देव सुझाव देने बतौलने छ। वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीहरूलाई धितोपत्र दलाल व्यवसाय गर्न अनुमति दिँदा एकातर्फ यी कम्पनीहरू मार्फत सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा पुँजी बजारको पहुँच पुगी लगानी प्रवर्तन हुने, पुँजी बजार सम्बन्धी साक्षरताको विकास हुने, माग सिर्जना भई सकारात्मक प्रभाव पर्ने धारणा व्यक्त हुन्छन् भने अर्कोतर्फ यसले भित्री सूचनाका आधारमा हुने कारोबार अर्थात् भित्री कारोबारलाई बढाउँछ भन्ने चिन्ता व्यक्त भइरहेको समय देखिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित गर्न भित्री सूचनाको आधारमा हुने कारोबारलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने अहम प्रश्न रहेको पाइन्छ। तसर्थ वाणिज्य बैङ्कका सहायक कम्पनीहरूलाई धितोपत्र दलाल व्यवसाय अनुमति दिनुभन्दा पहिले देखाएका प्रश्नको सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ। एक, सहायक कम्पनी सब्सिडियरी कम्पनी र मुख्य कम्पनी प्यारेन्ट कम्पनी बिचको अन्तर सम्बन्ध र सेयर खरिद सम्बन्धी कारोबारको सीमा के हुने? दुई, भित्री कारोबारलाई नियन्त्रण वा निरुत्साहित गर्न कानुनी व्यवस्था प्राप्त उपसमिति तयार गर्ने प्रतिवेदनमा धितोपत्र ब्रोकर व्यवसायी सबके प्राप्ति आ मर्जर गर सकबाक नीतिगत व्यवस्था कयल जेबाक सुझाव समेत देने अछि। ब्रोकर के न्यूनतम चुक्ता पूँजी 2079 अखाड़ मसान्त धरि
10 करोड़ रुपया पहुँचा कर लिमिटेड कंपनी में रूपांतरण कर समेत उपसमिति सुझाव देने प्रणालीको सुदृढीकरण तथा क्षमता विस्तार गर्ने नेप्सेका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूले आफूसँग यसभन्दा अगाडि भएका आइपिओका सेयरहरू घोषणा गरी बिक्री गर्ने बाहेक सेयर बजारको कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था गर्छ। मुद्रा बजारमा सापेक्षित रूपमा कम समस्या रहेको नेपाल राष्ट्रिय ब्याङ्कको सुत परिवेक्षण तथा नियमन प्रभावकारी देखिए तापनि तरलता ब्याज दर लगानीमा प्राथमिकता आम नागरिकको वित्तीय साधनमा साधन स्रोतमा पहुँच लगायतका विषयहरूमा प्रमुख समस्याहरू देखिएका छन्। पुँजी बजारमा मूलत हाल लागू भइरहेको अटोमेसन सिस्टम पूर्ण रूपमा स्वचालित हुन नसकेको प्रणाली पूर्ण रूपमा सुरक्षित नरहेको राफसा तथा फर्सेल प्रक्रिया उपसमिति तैयार केने प्रतिवेदन में मुद्रा बाजार में सापेक्षित रूप में कम समस्या देखल गेल मुदा पूंजी बाजार में समस्या सब बहुत देखल गेल कहल गेल। उपसमिति भारत श्रीलंका बांग्लादेश में पहुँच कर ओतुका शेयर बाजार संबंधी जानकारी लक अध्ययन क प्रतिवेदन तैयार कने। उपसमिति में झाकड़ी के नेतृत्व में सांसद सब प्रमिला राय मेटमणि चौधरी रामबाबू यादव आ हेम कुमार राय सदस्य रहल छल। गृहमंत्री रामबहादुर थापा युवा जनशक्ति नशीला पदार्थ में फसला सा विकास में प्रभाव पड़ल बतौलने समाजक आ राष्ट्रक विकासक लेल युवा सभक महत्वपूर्ण भूमिका रहल पर नशीला पदार्थक प्रयोग से प्रभाव पड़ल ओ बतौलने। नशीला पदार्थ प्रयोगकर्ता सर्वेक्षण प्रतिवेदन 2076 सार्वजनिकीकरण कार्यक्रम में गृहमंत्री थापा युवा शक्ति सक्षम आ स्वस्थ भेला पर समाज आ राष्ट्रक विकास में भूमिका निर्वाह करबाक बतौलने। प्रयोगकर्ता सभक जीवन रक्षा के लेल एकर रोकथाम अनिवार्य भेल ओ बतौलने। मानव सभ्यता आ संस्कृति रक्षा समाज आ राष्ट्र विकासक लेल नशीला पदार्थ नियंत्रण जरूरी रहल ओ बतौलने। एउटा त मानिसको जीवन रक्षा को निम्ति चाहिँ यसको रोकथाम जरूरी छ, आवश्यक छ, किन यो लागू औषधले मानिसको जीवनै लिन सक्छ, उसको मृत्यु हुन सक्छ। हामीले देखिराखेका छौँ लागू औषधबाट हजारौँको संख्यामा चाहिँ युवाहरूको चाहिँ त्यो श्रम शक्तिको मानिसको चाहिँ यसले चाहिँ ज्यान लिइरहेको छ भने यसले चाहिँ मानिसको जीवनमा उसको स्वास्थ्यमा चाहिँ यसले कुप्रभाव पार्छ। ठिक है, हामीले स्वस्थ नागरिकले मात्र यो समाजको विकास गर्न सक्छ। उसले थापा एकर नियन्त्रणक लेल एकताबद्ध भ क योजनाबद्ध रूपमे आगा बढल जेबाक संकल्प लेल जेबाक बतौने छलथि। पर्याप्त रोजगारी सृजना भ सकला पर नशीला पदार्थ नियंत्रण में बहुत सहयोग पहुँचवाक एक अध्ययन देखौलक। करीब 40% व्यक्ति बेरोजगारी के कारण नशीला पदार्थ प्रयोग कला से सरकार द्वारा रोजगारी सृजना के लेल विशेष कार्यक्रम आनल जेबाक अध्ययन देखौलक। सीमा नाका में चेक जाँच बढ़ेबाक सचेतना कार्यक्रम करबाक निःशुल्क इलाजक व्यवस्था करबाक आ लुरि ढंग विकासक कार्यक्रम सब कर सकला पर नशीला पदार्थक प्रयोग घट सकबाक अध्ययन देखौलक। कुल प्रयोगकर्ता सबमे से 39.7% बेरोजगार 15.9% व्यापारी आ 15.6% दैनिक मजदूरी करवला व्यक्ति रहल अछि। तहिना नौकरी करवला 11.7, अध्ययन करवला 8.7, वैदेशिक रोजगारी में रहल 4.1, कृषि क्षेत्र में 3 आओर क्षेत्र में कार्यरत 0.6% नशीला पदार्थ प्रयोगकर्ता रहल अछि। संविधानको मौलिक 9 थियो भने पछि 91,534 र त्यो बढ्ने प्रतिशत 11.36% थियो र यो अहिलेको सर्वेक्षणले चाहिँ 130,424 चाहिँ हाम्रो नेपालको तथ्याङ्क देखाएको छ। बेरोजगारी व्यापार अनि दैनिक ज्यालादारी नोकरी अध्ययन यो व्यक्तिहरू चाहिँ लागू औषधमा लागु देखिन्छ। त्यस कारणले नेपाल सरकार 51.1% 51 ठाउँमै 20.4% घरमे एकर प्रयोग करयवला सब रहल अध्ययन देखौने। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री योगेश भट्टराई धार्मिक आ पवित्र स्थल के अनुभूति होवला पाशुपत क्षेत्र के सौंदर्यता विकास करबाक बतौलने। नेपाल SBI बैंक के लगानी में निर्माण भेल पशुपति मंदिर के दक्षिण द्वार के मंगल दिन उद्घाटन करैत मंत्री भट्टराई धार्मिक आ पवित्र तीर्थस्थल में प्रवेश कयने अनुभूति देबाक हेतु
पशुपति क्षेत्र के विकास कर लागल बतौलन एक पशुपति क्षेत्र भीतर जीर्ण रहल संरचना सबक पुनर्निर्माण करबाक आ सरसफाई में उच्च ध्यान देल जेबाक काज सब बाकी रहल मंत्री भट्टराय बतौलन पशुपति क्षेत्र के समग्र विकासक लेल गुरु योजना तैयार कल गेल आ मंत्रिपरिषद से पारित भेला बाद संरचना निर्माणक काज गति लेबाक बतौलन धार्मिक र सांस्कृतिक स्थलमा पवित्र स्थलमा प्रवेश गरेको अनुभूति हामीले दिनुपर्नेछ त्यसका लागि जीर्ण भएका संरचनाहरूलाई पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेछ सरसफाइमा उच्च ध्यान दिनुपर्नेछ र यहाँ तीर्थयात्रा गर्न आउने प्रत्येक भक्तजनहरू र प्रत्येक व्यक्तिहरूको निम्ति सहज र सरल ढङ्गले सेवा प्रदान गर्नुपर्नेछ यसका थुप्रै कामहरू बाँकी छन् र अहिले हामीले धेरै लामो समयपछि धेरै लामो सर्वपछि पशुपति क्षेत्रको समग्र विकासको लागि यसको मास्टर प्लान अगाडि सारेका छौँ र छिटै नै त्यो नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदबाट पास हुनेछ र त्यसअनुसार अब हामी पशुपति क्षेत्रमा के कस्तो पुनर्निर्माणहरू गर्ने निर्माण गर्ने कहाँ कस्तो खालको संरचना बनाउने भएका संरचनाहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने लगायतको विषयमा एउटा समग्रतामा पशुपति क्षेत्र विकास कोषक सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप ढकाल पशुपति क्षेत्र केहन बनबाक विषय में गुरु योजना तैयार भ चुकल आ वही अनुसार एकर सौंदर्यता कायम करबाक बतौलन छ आध्यात्मिक वातावरण ज्ञान ध्यान योग को केन्द्रको रूपमा यो क्षेत्र विकास हुन्छ र हामीले भावी पुस्ताका लागि एउटा सौम्य सुरम्य र विश्वकै एउटा हिन्दूहरूको प्रमुख तीर्थस्थलको केन्द्र र पर्यटकहरूका लागि आकर्षणको केन्द्रको रूपमा बस्ने क्षेत्रलाई विकास गर्न गइरहेका छौँ। कार्यक्रममा नेपाल एसबीआई बैंकके प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनुकूल भटनागर बैंक अपन सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत पवित्र धार्मिक स्थलके प्रवेशद्वार निर्माण कर पौलासँग खुशी लागल बतौलन छ। आब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्वव्यापी रूपमा फैलल कोरोना भाइरसके कारण मृतकक संख्या 541,684 पहुँचल छ। संक्रमितके संख्या विश्वमे 1,72,72,338 पहुँचल छ। संक्रमितमे सँ 67,67,440 गोटे इलाज बाद ठिक भएल छ। कोरोना भाइरससँ सबसँ बेसी अमेरिका प्रभावित बनल छ। अमेरिकामे अखन धरि 132,998 गोटेके मृत्यु भएल छ। ओतय 30,41,152 गोटे संक्रमित रहल छ। दोसर सबसँ बेसी ब्राजिलमे 65,556 गोटेके मृत्यु भएल छ। बेलायतमे 44,255 गोटेके मृत्यु भएल छ। तहिना इटलीमे 34,889 गोटेके जान गेल छ। स्पेनमे 28,388 फ्रान्समे 29,920 बेल्जियममे 9,774 आ ईरानमे 11,911 गोटेके मृत्यु भएल छ। चीनमे 4,634 गोटेके जान गेल छ। तहिना कऽ साउदीमे 1,968 यूएईमे 326 आ कतारमे 134 गोटेके मृत्यु भेल छ। एम्हर भारतमे मृतकक संख्या 20,201 पहुँचल छ। आब अन्तमे मुख्य समाचार एक बेर फेरसँ। समाजवादी पार्टीके नेत्री सरिता गिरी पार्टीसँ निष्कासित, पार्टीके हुइप नहि मान्ने आरोप। मंगल दिन आओर 204 गोटे नया संक्रमित भेटल, कोरोना संक्रमितके संख्या 16,100 पहुँचल। देशक बड़का व्यवसायिक घराना सब कर्मचारी कटौती कर लागल, श्रमिक कर्मचारी सब आंदोलित। थारू आयोग पूर्णता नहि पोल, काम कर नहि सकल कहत अध्यक्ष चौधरी असंतुष्ट। आ विश्वव्यापी रूप में फैलल कोरोना वायरस के कारण मृतकक संख्या 541,684 पहुँचल। व्यस्त अपन टेलीविजन देखते रहब। नमस्कार।
व्यस्त अपन टेलीविजन देखते रहब। नमस्कार।